हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 टर्म 1 मैथमेटिक्स बेसिक के क्वेश्चंस करेंगे। इसके क्वेश्चंस हम लोग इससे पहली क्लास में क्वेश्चन नंबर 40 तक कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन 40 तक कर चुके हैं। आज हम लोग सैंपल पेपर सॉल्यूशन 2021-22 के लेक्चर 3 में क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करें। जो बच्चे न्यू है वो बच्चे से पहली वाली क्लास को अटेंड कर ले, फर्स्ट टू क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने बताए थे सिलेबस के बारे में, सेकेंड क्लास में हमने 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस किए थे, सेकेंड क्लास में 20 से 40 क्वेश्चंस किए। आज हम लोग 40 से लेकर 50 क्वेश्चन आज की क्लास में करें, ठीक है। तो चलो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यानी के सी सेक्शन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 40, दैट इज सेक्शन सी। तो सेक्शन सी के अंदर बताया जा रहा है ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन, सो 1 मार्क इच, एनी 8 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। केस स्टडी के अंदर 2 केस स्टडी है, 5-5 क्वेश्चन दोनों में है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं और 10 क्वेश्चन आपको दिया गया। तो चलो देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा कि द पैसिफिक रिंग ऑफ अ फायर इज अ मेजर एरिया इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशियन वेयर मैनी अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस अकर्स इन अ लार्ज हॉर्स ऑफ शेप। इट इज एसोसिएटेड विद अ नियरली कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ द ओशियन ट्रेंचेस volcanic erupts and volcanic belts and plate movement. तो आपको कह रहा आगे कि that is large faults within the earth's crust result from the action of plate tectonic forces with the largest forming the boundaries between the plates inevitably associated with the rapid movement on active faults is the cause of the most earthquakes. आगे कह रहा आपको कि that is position of some countries in the Pacific rings of the fire is shown in the square given below. ये आपको दिया गया graph. कह रहा based on the given information answer the question 41 to 45. 41 से 45 के answer आपको इस graph के based पर देना है। तो चलो देखते हैं इस graph में पहला question क्या है। First question कह रहा आपको कि that is the distance between the points country A and country B. Distance between the points between the point country A and B. तो आप देखोगे point country A and B. ये है आपका point country A और ये है आपका point country B. तो सबसे पहला काम है point A country का आप देखोगे किसका जो point है। चलो इसको हम पेन निकालते हैं। तो पॉइंट कंट्री ए को आप देखोगे ये आपका जो है पॉइंट ए। तो पॉइंट ए का आप देखोगे सबसे पहले किसके कोऑर्डिनेट्स क्या। तो पॉइंट ए की अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स में आप देखेंगे ये पॉइंट ए आपका है यहाँ पे। तो ए पॉइंट है तो ए का देखो एक्स से मिल रहा है 1 पे और वाई से मिल रहा है 4 पे। इसका क्या पॉइंट होगा 1 4। ये आपका जो ए पॉइंट है इसका पॉइंट क्या गया 1 4। ये आपका क्या है ए, दैट इज 1। और दूसरा जो बी पॉइंट आपको दिखाया जा रहा है ये बी पॉइंट यहाँ पे। इस बी पॉइंट को आप देखोगे कि ये बी पॉइंट अगर यहाँ पे दिखाया गया है तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है 4 और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या आ जाएगा कि बी पर है। तो बी का अगर आप पॉइंट देखोगे तो क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू क्या है जी। तो ये आपका पॉइंट ए है और ये बी, राइट। अब आप देखोगे कि ए और बी पॉइंट आपको मालूम है। अभी इसने क्या बोला है क्वेश्चंस में, ये कह रहा है कि दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कंट्री ए एंड, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। यानी कि ये आपने देखा था कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, ये दोनों के बीच का आपसे क्या पूछा गया है डिस्टेंस। तो आप क्या जानते हो अगर आपको निकाला जाए डिस्टेंस ए बी, तो आपका फॉर्मूला आपने सीखा था कि अगर कोऑर्डिनेट दे रखे x1 y1 तो क्या होता है
एच टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस में आपका आता है वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इस पे आ जाएगा रूट। तो एक्स टू माइनस एक्स वन का मतलब है फोर माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका फोर माइनस वन का होल स्क्वायर। और y2 माइनस y1 का मतलब है 0 माइनस 4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 आपका 3, तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16। तो 16 प्लस 9 क्या होता है 25, तो आपका आंसर क्या आ गया 5। तो आपका राइट आंसर क्या है 5 यूनिट, यही आंसर करेक्ट है, 5 यूनिट इज राइट आंसर। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 41। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए पहले इसको हटाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 42 के लिए पहले हमें जरा देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द कंट्री सी एंड, यानी एक्स वाई कोई पॉइंट है जो सी और डी से इक्वल डिस्टेंस। तो आपको पता करना होगा कि C और D पॉइंट क्या है, D तो दे रखा है, C और D पॉइंट क्या है। तो चलो देखते हैं C और D पॉइंट आपका क्या है ग्राफ में। तो आप देखोगे अगर हम बात करें पॉइंट C, तो हमें C पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो C पॉइंट आपका कितना दिया हुआ है, तो C पॉइंट आप देखोगे कि अगर हम C की बात करें तो C पॉइंट ये है, C पॉइंट यहाँ पे है। तो x को कर रहा 7 पे और y को कर रहा 1 पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 7 1। तो C आपको दिया गया है 7 1, यानी कि इसका पॉइंट है 7 1, राइट। और दूसरा हमारा क्या था कि डेट इज C एंड D की बात कर रहा है। अगर आप D देखोगे तो D का पॉइंट क्या है, D आपका ये है। तो अगर आप देखोगे कि अगर हम यहाँ पे D को लिख दे तो D का आपका पॉइंट क्या बन रहा है, x को मिल रहा है 3 पे, y को मिल रहा है 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा 3 5, ये आपका आ गया 3 5। और P क्या दे रखा है इसने, एक्स वाई, राइट। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं, उससे और क्लियर होगा। तो पॉइंट तो लिखना था, पॉइंट में हमने लिख दिया था डेट इज आपको दिया गया था C, तो C पॉइंट हमने लिखा था, C पॉइंट हमारा था 7 1, ये C पॉइंट आपका आ जाएगा 7 1। और ये पॉइंट D, ये D पॉइंट है, ये आ जाएगा 3 5, ये पॉइंट आपका आ जाएगा 3 5। और हमने P जो पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, राइट। अब आप देखो क्वेश्चन को हम चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या था। तो अगर आप क्वेश्चन की बात करोगे तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। तो ये 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान, 42 क्वेश्चन कह रहा है कि डेट इज फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई साइड एट द पॉइंट एक्स वाई इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड, यानी आपको दिया गया है कि ये जो पॉइंट पी है तो सी यानी पी सी इक्वल टू क्या है पी डी के बराबर। तो PC आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा, P एंड C के बीच का डिस्टेंस निकालोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1, ये आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पे आ जाएगा रूट। और PD निकालोगे तो PD क्या आ जाएगा आपका, तो PD आ जाएगा आपका, तो PD की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, x माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा y माइनस में 5 का स्क्वायर, राइट। इस पे P क्या होगा रूट, x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का, दोनों तरफ स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट से ये रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा x का स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में आ जाएगा 14, क्योंकि a स्क्वायर आ गया x स्क्वायर, 2ab करोगे प्लस का b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर आ गया 49 माइनस 2ab करोगे 14, और प्लस में आपका आ जाएगा सेम y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और ये किसके बराबर होगा, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 9, और प्लस में आ जाएगा फिर y का स्क्वायर
प्लस में 25 और माइनस में आ जाएगा आपका 10। अब आप इसको सॉल्व अगर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट, ये वाई स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट, माइनस का 14x है और ये माइनस 6x को आप इधर लाओगे तो क्या मिलेगा माइनस का 14x प्लस में आपका आ जाएगा 6x और ये आपका माइनस का 2y है तो ये माइनस का 2y और ये आपका क्या है माइनस 10y, तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 10y, राइट। अब आपके पास ये है 49 प्लस 1 तो ये कितना है 50, अगर आप इसको उस साइड ले जाते हो सब में कॉन्स्टेंट राइट में है, इस साइड आपके पास 9 और 25 है इसको आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 34 और ये 49 प्लस 1 कितना है 50, ये आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 50, तो ये आपको देगा माइनस का 8x और प्लस का आपको देगा 8y और इक्वल में आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और ये आ जाएगा माइनस का 60। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेते तो माइनस का अगर आप 8 कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू माइनस, तो माइनस 8 टू जा आ जाएगा आपका कितना 16, तो माइनस 8 टू जा आ जाएगा आपका 16, तो क्या करोगे माइनस 8 टू जा 16 हो गया तो x माइनस का y क्या आ जाएगा 2, तो x माइनस y इक्वल टू 2, तो आपका पहला ऑप्शन राइट आंसर है, x माइनस y इक्वल टू 2 दिस इज राइट आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस रूल से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन क्या है हमारा कि द फॉल्ट लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द कंट्री P of 13 and country Q 27 internally in the ratio। यानी इस क्वेश्चन में कह रहा आपका कि the fault line 3x plus y minus 90 divide करता line joining the country P of 13 and country Q equal to 27। तो मान लो कि एक line दिया गया आपका, this is the line। तो मान लीजिए कि ये आपका line है, this is P and this is Q। ये P point आपको दिया गया है कितना 13 और Q point क्या दिया गया है 27, right? अब ये कह रहा है कि the fault line, मान लो ये fault divide the line, तो मान लो ये fault line है, ये fault line क्या करा divide the line joining the country P and Q in the internally in the ratio। तो मान लो ये किस ratio में divide कर रहा है, मान लो ये k is to 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। इसको k is to 1 रेशियो में डिवाइड कर रहा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेट इज आपने ये मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, कोई भी पॉइंट आप ले लो, सपोज करो ये पॉइंट आपका PQ, ये R है, तो R PQ को डिवाइड करता है k is to 1 रेशियो। तो आप निकालो कि अगर R, तो R इक्वल टू आपने क्या सीखा है, ये फॉर्मूला होता है कि डेट इज k into में H2, ये आ जाएगा आपका K into 2, that is 2K, K into 2, again 1 into 1, that is plus 1, और नीचे आ जाएगा sum of ratio, that is K plus 1, ये आ गया आपका X quad, Y quad निकालोगे K into 7, क्या आ जाएगा 7K, and 1 into 3, यानी plus में क्या आ जाएगा आपका 3, और नीचे क्या आ जाएगा K plus, ये X coordinate, ये Y coordinate। अब ये x और y जो कोऑर्डिनेट है वो इस पॉइंट पर है, यानी इस लाइन पर लाई कर रहा है, जो आपको लाइन दिया गया है दिस लाइन। ये क्वेश्चन था कि दैट इज कंट्री ए एंड बी, ये जो पॉइंट दिया गया का 3x plus y minus 9 इक्वल, अब इसमें इस वैल्यू को यहाँ पुट कर, अगर आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा 3 into में 2k plus 1 upon में k plus 1, राइट, और आ जाएगा आपका प्लस में y, y की जगह क्या पुट करोगे, दैट इज ये दे रखा 3x plus y, तो 3 into में x लिख दिया, y आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, दैट इज 7k, 7k plus 3 और नीचे आ जाएगा आपका k plus 1 और माइनस का 9 0 है, तो आप इसको ऐसे लिख दो इक्वल में ना,
अब क्या होगा, ऊपर k प्लस वन ये भी है, k प्लस वन ये भी है, एलसीएम k प्लस वन आएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 6k, प्लस में आपका आ जाएगा 3, प्लस में आपका है k प्लस 7k प्लस, तो प्लस में आ जाएगा आपका 7k प्लस, और ये k प्लस वन एलसीएम था वो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9k प्लस में। अब आप देखोगे 6k और 7k हो गया 13k, 13k में से 9k घटाओगे तो क्या आएगा 4k, राइट। अब ये आ जाएगा 3 और 3 6, 9 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा 9 माइनस, ये 3 3 6 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3:4, दैट इज 43 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कंट्री एम का डिस्टेंस क्या। अगर आप कंट्री एम को अगर ग्राफ पे देखते हैं तो ये आपका कंट्री एम ये है, ये कंट्री एम है, और ये कंट्री एम के अगर आप देखोगे कि एक्स एक्स पॉइंट यहाँ पे, इसका अगर आप कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करेंगे ये कंट्री एम का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कंट्री एम का कोऑर्डिनेट देखोगे एक्स टू और वाई थ्री है, एक्स टू वाई थ्री। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है एक्स टू वाई थ्री, एम जो पॉइंट है डेट इज का कोऑर्डिनेट हमारा है 2 3, एम की कोऑर्डिनेट है 2 3, ओके। चलो अब चेक करते हैं कि अगर इसका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर 44 कि द डिस्टेंस ऑफ कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितने दूर पे, तो एक्स एक्सिस से अगर उसकी दूरी पूछी गई है कि एक्स एक्सिस से कितने दूर पे, तो मान लो जैसे एक्स एक्सिस अगर पूछोगे तो उसका क्या आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप देखोगे कि जैसे आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ठीक है, अब मान लो कि ये तुम्हारा एम की पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 3, अगर आप ऐसे मिलाओगे, अगर आपसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स से कितनी दूरी पे, यानी ये डिस्टेंस है, ये क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3, तो 44 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज 3 यूनिट्स आपका राइट। अगर बोलता कि कंट्री एम फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से होता तो आपका जवाब क्या आ जाता 2, अब बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, तो ये पॉइंट है और ये आपका वाई है, ये वाई से कितनी दूर है, तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो कर डिस्टेंस ऑफ कंट्री एम फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स से ये कितनी दूर पर, एक्स से जो दूरी उसकी ये है राइट, ये एक्स से इतनी दूर पर है, अगर ये बोलता वाई से कितनी दूर तो ये डिस्टेंस है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 45, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द मीट पॉइंट ऑफ कंट्री ए एंड कंट्री बी, ए और डी का मीट पॉइंट पूछा है, तो सबसे पहले ए और डी का आपको क्या मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट, ए और डी का अगर कोऑर्डिनेट मालूम हो जाएगा तो हम उसका क्या करेंगे मीट पॉइंट निकाल, तो चलो देखते हैं ए और डी का मीट पॉइंट हमारा क्या, तो ए और डी का अगर आप देखोगे मीट पॉइंट, तो हम चेक करते हैं ए और डी का मीट पॉइंट हमारे पास कितना, तो ए और डी का मीट पॉइंट पहले आप लिख लो ताकि इसका यूज होगा आपको, तो ए का मीट पॉइंट आपको अगर ए का कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट आपका ये इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई फोर, यानी ये पॉइंट आपको दिया गया है 1 4, और डी का अगर आप देखेंगे डी, तो डी का क्या था ये डी पॉइंट, तो डी का कोऑर्डिनेट देखोगे तो एक्स का 3 है और वाई का 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 3 5, राइट। अब आप देखते हैं किससे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया मीट पॉइंट, तो मीड पॉइंट के लिए चेक करते हैं, तो मीड पॉइंट के लिए आप देखोगे ये है आपका दैट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कंट्री लाइंग ऑन द मीड पॉइंट ऑफ ए एंड, ए और डी के अगर आप मीड पॉइंट निकालोगे तो आपने क्या सीखा है कि मीड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दैट इज
मीड पॉइंट ऑफ एडी क्या हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू यानी वन प्लस में थ्री अपॉन में टू, और ये आ जाएगा आपका फोर प्लस में फाइव बटे, तो आप देखोगे इसको ये आ जाएगा आपका थ्री प्लस फोर बटे में टू, यानी ये आ जाएगा टू, फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन अपॉन, तो आपका जवाब हो जाएगा टू एंड नाइन बाई टू, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब आते हैं अगले केस स्टडी पर, केस स्टडी नंबर है टू, तो चलो देखते हैं केस स्टडी टू क्या कह रहा है आपका। केस स्टडी टू के अंदर है कि डेट इज पॉलिनोमियल्स आर एवरी ईयर दे प्ले अ की रोल इन स्टडी ऑफ एलजेब्रा इन एनालिसिस एंड ऑन द होल मैनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग देम। Since the polynomials are used to describe the curves of various types of engineer use polynomials to graph the curve of roller coaster. यानी polynomials का काफी use किया जाता है हर चीज में, algebras में और different जो mathematical problems हैं इसमें use करते हैं। तो हमें कह रहा है कि based on the given information answer the question 46 to 50. तो 46 से 50 तक के जो points हैं उस पर आपको answer बता। तो आप देखोगे इसमें 46 के अंदर If the roller coaster is represented by the following graph y equal to p of x, then name the type of the polynomial it traces. So y बराबर है p, तो कह रहा है y equal to p of x, then the name the type of the polynomial traces. तो आप देखोगे इसके अंदर ये linear है, quadratic है, cubic है और biquadratic है। इसमें आप देखोगे कि ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पर इसने कहाँ कहाँ काटा, वन पॉइंट, टू पॉइंट एंड थ्री पॉइंट। एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक है। सो आवर राइट आंसर इज सी, सी आपका राइट आंसर है, क्यूबिक, क्यूबिक इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 47 में, द रोलर कोस्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग ग्राफ y equal to pm, which roller coaster has more than three distinct zeros? किसमें तीन से ज्यादा जीरो, यानी आपको ये देखना है कि y equal to p of x है, तो x axis को कितने पॉइंट, तीन से ज्यादा पॉइंट पे कौन कट करता है। तो आप देखोगे ये x axis को ओनली वन पॉइंट पे कट करता है, ये भी वन पे करता है, और ये जो पॉइंट आपका वन टू और थ्री पे कट करता है। और आगे आप देखोगे d पॉइंट पे, तो ये वन पॉइंट है, टू पॉइंट है, थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट, तो चार पॉइंट पे डी आपका कट कर रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हमारा क्या है, डी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है कि इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलीनोमियल पी एक्स क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू, तो कौन इसमें से ऑलवेज ट्रू होगा। तो कह रहा है कि एस डज नॉट इक्वल टू जीरो, R डो, तो आपको याद रखना है कि डेट इज पी एक्स क्यूब है, डेट इज पी डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर पी जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर ये क्यूबिक नहीं रहे, इसलिए P क्या है, जीरो नहीं है, सो पी डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो कह रहा 48 क्वेश्चन क्या है, इफ द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस ए, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज ट्रू, इसका राइट आंसर है P डज नॉट इक्वल टू जीरो, डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखोगे 49 क्वेश्चन के अंदर क्या है, 49 ये ग्राफ आपको दिया है, इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ y इक्वल टू q, देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, यहाँ भी वही बात है, p ऑफ x है, तो x को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, देख तो यहाँ पे कट किया वन पॉइंट पर, और ये आपका दूसरे पॉइंट पर, और ये तीसरे पॉइंट, क्या है इसका राइट आंसर, डी। तो 49 का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, कह रहा है इफ द पार्ट ट्रेस्ड बाय द रोलर कोस्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अबव ग्राफ वाई, देन फाइंड इट्स जीरो, इसके जीरोस क्या, एक तो इसने यहाँ कट किया है, दैट इज माइनस थ्री इसका जीरोज है, माइनस वन जीरोज है, और इसका ये दो जीरो, माइनस थ्री माइनस वन एंड टू, तो माइनस थ्री का ये केस आ गया आपका, और ये आपका आ गया टू, तो माइनस थ्री है, और इसके बाद आपका टू है, और ये माइनस वन, तो आप देखोगे माइनस थ्री
and minus 1 and 2. So right answer is C. C answer आपका correct. ये था आपका question number 50. तो आपने देखा ये sample paper class जो था total complete हो गया था, पूरे हमने 50 question तक आपको करा दिए. तो आज के लिए यहीं तक. अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास लेना जूम ऐप पे तो आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.